नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ गौतम एडिवेट ग्रास से और आप है हमारे यूट्यूब चैनल शशियन गौतम किचन गार्डन्स पर। आज का वीडियो है, लेकिन क्या मैं इसको वीडियो कह सकता हूँ? नहीं, मैं इसको वीडियो नहीं बोलूँगा, प्रयास बोलूँगा, क्योंकि इस तरह के दो वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ। आज का प्रयास है आप लोगों से शेयर करने का कि क्या पानी का पीएच जो आप शहर में यूज़ करते हैं प्लांट को इरीगेशन देने के लिए वो ठीक है। जो शहर में पानी का सप्लाई आप लोग लेते हैं उसका पीएच 8 के आसपास रखा जाता है, जिससे कि वो आपके शरीर के लिए ठीक हो। लेकिन प्लांट के लिए जो पानी चाहिए होता है उसका पीएच होना चाहिए 5.5 से 7। 5.5 और 7 की रेंज में ज़्यादातर प्लांट जो है अच्छा करते हैं। अगर आप कम पीएच वाले या ज़्यादा पीएच वाला पानी प्लांट में वाटरिंग करने के लिए इरिगेशन करने के लिए डालते हैं तो उससे सॉइल की जो पीएच है उस पर भी असर पड़ता है, और जब सॉइल की पीएच पे असर पड़ता है और वो 5.5 से कम या 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उससे में फिर प्लांट जो न्यूट्रिशन आपने उसको दिया था वो नहीं ले पाते हैं। फिर इसका असर उसकी फ्लावरिंग पे, फ्रूटिंग पे या वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो उस पर पड़ता है। 2011 से नियमित रूप में हम ये वाटर की जो टंकी छोटी सी हमारी इरिगेशन के लिए उसको हर रोज़ भरा जाता है। सर्दियों में 2 दिन में भरा जाता है, गर्मी में रोज़ सुबह भरा जाता है, और उसमें विदाउट एनी फेल हम लोग उसका जो पीएच है उसको सही करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा हो कि हमने अपनी पानी की टंकी में एक पोटली 200 ग्राम की सीवीड ग्रीन की डाली थी, तो पहले चेक करते हैं क्या उसको डालने से पीएच में कुछ फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल पानी जो सप्लाई का आता था, अभी आपने देखा 7.7 7.8 पीएच बता रहा था। सिर्फ सीवीड की पोटली बना के डालने से आप ये देखिए इसको जो पीएच है 7.2 और 7.1 तक आ गया, तो ये बिल्कुल आइडियल रेंज में तो नहीं है जो 5.5 से 7 है, लेकिन बिल्कुल उसके करीब तक आ गया है। तो ये भी अगर आप अपने पानी जो अपने पौधों को वाटरिंग में देंगे सीवीड ग्रीन का पोटली बना के डालेंगे तो और पानी यूज़ करेंगे तो आपका करीब करीब रेंज में रहेगा और पौधा आपका अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमें इससे भी नीचे जाना है, तो आइए अब देखते हैं कि इससे नीचे जाने के लिए यानी कि 5.5 से 7 तक की जो आइडियल रेंज है पीएच को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए हमने सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा हुआ है। 1.25 लीटर की बोतल में हम लोग 60 ग्राम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, उसके मिला के जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका 90 ml 60 लीटर वाली टंकी में डालते हैं, यानी कि जो रेशियो बनता है उसका 90 ml 60 लीटर में मिलाते हैं। तो उसके बाद जो उसका पीएच है वो अगर 8 है तो घट के वो 5.5 के आसपास आ जाता है, तो यानी कि जो आइडियल रेंज है 5.5 से 7 वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन इससे में हमने ये देखना है कि ऑलरेडी इसका जो पीएच है वो 8 से घट के 7.1 आ चुका है, तो क्या इसमें जो सिट्रिक एसिड हमने 90 ml डाला है तो उससे क्या पीएच जो है रेंज से नीचे की तरफ चला जाएगा, आइए देखते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए हमें भी एक नई बात पता चली कि जो सीवीड ग्रीन है उसको डालने से थोड़ा सा पीएच नीचे आता है, जो 8 था या 7.8 था वो घट के 7.1 तक पहुँच गया था। तो जो डोज हम लोग डाल रहे थे उसको पीएच नीचे करने के लिए 90 ml 60 लीटर की टंकी में उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको हो सकता है 80 या 70 तक ले आना पड़ेगा, जिससे कि मेरा पीएच वापस 5.5 तक पहुंच जाए। अगर आप लोगों के यहाँ पे भी प्लांट जो है कुछ अच्छे नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण है कि ये पीएच हो सकता है, जो वाटरिंग आप कर रहे हैं उसका पीएच 8 के आसपास या उससे ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से आपका प्लांट जो है जो भी आप खाद डालते हैं वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता हो, उसका असर उसकी फ्लावरिंग में फ्रूटिंग में पड़ता हो। तो अपने यहाँ पर जो पानी है उसका पीएच आप जरूर चेक करें, सिट्रिक एसिड मार्केट में मिल जाता है, और ये जो पीएच मीटर है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, चाहे आपके यहाँ पे जो आरओ वाले मार्केट है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आज जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीएच को मेंटेन करना आपके वाटरिंग के लिए, क्योंकि वो सॉइल के पीएच को इफेक्ट करता है, और उसका तरीका भी मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।